कांग्रेस और सपा आपकी घर संपत्ति लूटना चाहते हैं मोदी। 28 मिनट के भाषण में राष्ट्रवाद व कांग्रेस व सपा पर निशाना। पीएम मोदी ने कहा कि आपकी सेवा के लिए निकला हुआ हूं। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में गया हूं। हर कोने से एक ही आवाज़ आ रही है, एक बार फिर मोदी सरकार। भाइयों बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनोगे, यह जगह छोटी पड़ गई है, इसलिए आप आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद मेरे लिए होता है। मेरी बात मानो, भारत माता की जय के साथ भाषण की शुरुआत की। आज भाजपा विकसित भारत के लिए गरीब किसान और नारी शक्ति को सशक्त कर रही है। ये बीजेपी है जितनी बहनों को बिजली, नल से जल, शौचालय, सस्ते गैस कनेक्शन दिए हैं। ये बीजेपी है जिसने मुफ्त राशन की योजना चलाई है, जिससे किसी माँ के बच्चे को भूखा ना सोना पड़े। मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। हर परिवार में 70 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग हैं कि जो आपके बेटे का खर्चा करना पड़ता था वह दिल्ली बैठकर कर रहा है। आप परिवार के लोगों के सिर पर यह खर्चा नहीं पड़ेगा, ये मोदी की जिम्मेदारी है। आने वाले 5 साल नारी शक्ति को मजबूत बनाएंगे। हम खेत से लेकर इसरो तक नारी शक्ति का विस्तार देखेंगे, ये मोदी की गारंटी है। हमारे योगी जी व उनकी पूरी टीम जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें नए अफसर की पहचान बदल रही है। यूपी का भाग्य बदल रहा है, ये मेरे लिए गर्व की का विषय है। आपके हक का पैसा भ्रष्टाचारी लूट रहे थे, आज बरेली बदायूं के किसानों को 600 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। विकास सर्वोपरि है। 2024 का ये चुनाव 1000 वर्ष की गुलामी से मुक्त करने वाला है। 10 साल पहले सपा और कांग्रेस हमें भिड़वाने के लिए क्या करते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं गाली चुपचाप सहता रहा। हमने जाकर निमंत्रण दिया लेकिन उनका अहंकार इतना था कि राम से भी बड़े मानते हैं। इस निमंत्रण को सपा कांग्रेस ने ठुकरा दिया, क्योंकि यदि इस निमंत्रण को स्वीकार किया तो उनका वोट नाराज हो जाएगा। उन्होंने राम ही नहीं, हमारे श्याम को भी नहीं छोड़ा। मैं बड़ी श्रद्धा के साथ समुद्र में गया, प्रभु श्री राम के उन पत्रों से आशीर्वाद लिया, मेरा मजाक उड़ाया। सापा के यह ठेकेदार जो खुद को यदुवंशी बताते हैं, यह भगवान श्री कृष्ण का मजाक उड़ा रहे हैं। आज का समाजवादी पार्टी से कांग्रेस दोस्ती कर रही है, अब आपका हक छीनने वाला है। ओबीसी जातियों को मिलने वाला आरक्षण छीना जाएगा। समाजवादी पार्टी का इन सब बातों के लिए समर्थन है। यूपी में 2012 में धर्म के नाम पर यूपीए सरकार ने धर्म के नाम पर आरक्षण देने का प्रयास किया, अब फिर जुट गए हैं। कल से नया नारा आया, कांग्रेस की लॉ जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इसका मतलब है कि आपकी संपत्ति की जांच, आपका सोना, घर की जांच। आपकी संपत्ति को छीनकर वोट बैंक को दे देंगे। आपने जो संपत्ति जुटाई है, अब कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि ये जो संपत्ति है वह आपको नहीं मिलेगी। कांग्रेस व सपा की सरकार संपत्ति जब्त कर लेगी। 4 कमरों का घर बनाया हो तो 2 कमरे जब्त कर लेंगे, 10 बीघा जमीन में से 5 बीघा जब्त कर लेंगे कांग्रेस वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बोलते हुए कहा कि जो माताएं बहनें हैं आपकी बचत पर कांग्रेस की नज़र है, यह मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, क्या मंगलसूत्र छीनने दोगे? सपा की सरकार में यह कर्फ्यू लगाते थे, माताएँ बहनें मंगलसूत्र व गहने पहनकर नहीं निकल सकती थी। कांग्रेस का इरादा अब दफ्तरों और संस्थाओं का सर्वे कराने का है। ये चुनाव भले हैं, हम आपके हक को छीनने नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन के नेता इसलिए वोट मांग रहे हैं कि जिससे संविधान बदल सके। आपकी रक्षा के लिए 400 सीट चाहिए, सब समाज की को गारंटी दे रहे हैं। मैं आरक्षण का आपका अधिकार छीनने नहीं दूंगा। सपा को एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जो टिकट दे सके, ऐसे लोग परिवार को का ही भला करेंगे। बदायूं से आजमगढ़ तक सब टिकट अपने परिवार को समाजवादी पार्टी ने दिए। छतपाल गंगवार, धर्मेंद्र कश्यप, दुर्विजय सिंह शाह को जिताएं, पहले मतदान फिर जलपान। भारत माता की जय के साथ भाषण को समाप्त किया। जितने बहनों को बिजली, नल से जल, शौचालय, सस्ते गैस कनेक्शन, ऐसे अनेक रोजमर्रा
ये दिया है। ये भाजपा है जिसने मुफ्त राशन की योजना कराई ताकि किसी माँ के बच्चे को भूखे सोने की नौबत ना आए। हमने मुफ्त इलाज की योजना कराई ताकि बहनों को अपनी बीमारी न छुपानी पड़े। अब तो मोदी ने देश के हर परिवार के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की गारंटी दी है और मेरी आपसे विनती है, आप जब लोगों को मिलने जाएं ना तो हर परिवार में 70 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्ग हैं, उनको बताइए कि अगर बीमारी में जो खर्चा आपके बेटे को करना पड़ता था वो खर्चा अब दिल्ली में जो आपका बेटा बैठा है ना वो करेगा। ये बता देंगे, हर बुजुर्ग को बता देंगे, 70 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी बुजुर्ग अब उनके इलाज का खर्चा उनके परिवार के लोगों के सर पर नहीं पड़ेगा। ये जिम्मेवारी मोदी की रहेगी। जब से पीएम आवास के ज्यादातर घर देश की करोड़ों बहनों के नाम हुए हैं तब से उनकी आर्थिक शक्ति कई गुना बढ़ गई। साथियों, आने वाले 5 साल देश की नारी शक्ति का जीवन और अधिक शक्तिशाली बनाने वाला होगा। हम खेत में ड्रोन से लेकर इसरो में जहां से चंद्रयान चलते हैं नारी शक्ति का विस्तार देखेंगे। आने वाले समय में 3 करोड़ ग्रामीण बहनों को हम लखपति दीदी बनते देखेंगे और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, हमारे वो योगी जी और उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में जो मेहनत कर रही है उस मेहनत से आज यूपी की पहचान नए अवसरों की धरती के तौर पर बन रही। योगी जी के नेतृत्व में यूपी का भाग्य बदल रहा है और यूपी के सांसद के नाते मेरे लिए भी ये गर्व का विषय है। यहां तो नैनो इंडिया की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, ऐसे अनेक कारखाने यहां लग रहे हैं। पहले आपका हक का पैसा भ्रष्टाचारी लूट लेते थे, आज देखिए बरेली और बाजारों के किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि से 600 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। राम राम। सबसे पहले तो मुझे यहां पहुंचने में विलंब हुआ, इतनी गर्मी में आप सबको इंतजार खड़ा करना पड़ा। आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं।
ये जो स्नेह, ये जो प्यार आप मुझ पर, मेरे इन साथियों पर बरसाते हैं, यही मेरी पूंजी है, ये आपका प्यार ही मेरे जीवन की ऊर्जा है। विशेष रूप से माताएं बहने इतनी विशाल संख्या में यहां आई है। मोदी, आपकी सेवा में जीवन के पल पल और शरीर का कण कण आपकी सेवा के लिए खपाने के लिए निकला हुआ। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में चुनाव भ्रमण के लिए गया, जनसभाओं का संबोधन करने का अवसर मिला और हिंदुस्तान के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों बहनों, मैं प्रार्थना करूं आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे, मुझे जवाब दीजिए। मैं प्रार्थना करूं आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे। देखिए, इस जगह बहुत छोटी पड़ गई और इसलिए आप में से कुछ लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। कृपा करके आप जहां है वहीं खड़े रहिए। अब जगह नहीं है, अब जगह नहीं, आप आगे नहीं आ पाएंगे और आपको असुविधा के फिर से क्षमा मांगता हूं। पर आप बड़ी शांति से, मेरे पास जितना समय है मेरी बात को ये कहने का मौका दीजिए। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, आपका आशीर्वाद ये मेरे लिए ऊर्जा है। तो मेरी बात मानोगे? बोले भारत माता की। भाइयों बहनों, कहा जाता है जितनी मजबूत नींव उतना ही मजबूत घर। इसी सोच के साथ आज भाजपा अब एक्सरे मशीन लगाकर ये जो स्त्री धन है उसको भी, मंगल सूत्र को भी छीनने की घोषणा करें। और साथियों, सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि कांग्रेस का इरादा संस्थाओं का, दफ्तरों का भी सर्वे कराने का है। यानी अगर किसी पिछड़े दलित परिवार में दो नौकरी में है तो एक नौकरी छीन कर ये लोग उनको देंगे जिनका कांग्रेस के मुताबिक देश के संसाधनों पर पहला हक है। और इसलिए भाई बहनों, ये चुनाव बड़े हैं लेकिन उससे भी गंभीर मुद्दा है जिस पर सतर्क रहने की जरूरत है। हम किसी भी हालत में आपके हक को छीनने नहीं देंगे।
भाई और बहनों, इनकी गठबंधन के नेता इसलिए वोट मांग रहे हैं ताकि धर्म आधारित आरक्षण देने के लिए संविधान बदल सके। और मैं 400 सीटें इसलिए मांग रहा हूं ताकि प्रदेशों में जो उन्होंने खेल शुरू किया है, ये धर्म के आधार पर आरक्षण लेकर के एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण लूटने का उन्होंने मंसूबा रखा है, उसको हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मुझे 400 सीट की जरूरत है। यूपी के ओबीसी समाज अपने सभी कुर्मी भाई बहन, यादव भाई बहन, मौर्य कुशवाहा भाई बहन, जाट गुजर भाई बहन, राजभर तेली पाल समाज, ये सब तो गारंटी दे रहा हूं मैं आरक्षण का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छीनने नहीं दूंगा। और ये मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। इन लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप खुद देख रहे हैं यहां यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी आदर ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहां बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। ऐसे लोग हमेशा सिर्फ अपने परिवार का ही भला करेंगे, परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति हो इनके लिए कोई मायना नहीं रखता। भाइयों और बहनों, मजबूत भारत के लिए एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं के हक की सुरक्षा के लिए आपको हर बूथ पर कमल फैलाना है। फैलाएंगे, घर घर जाएंगे, मतदाताओं को जगाएंगे, मेरी बात पहुंचाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। देखिए, आंवला से मेरे पुराने साथी धर्मेंद्र कश्यप जी और बदायूं से हमारे साथी दुर्विजय साकी जी को दिया हुआ आपका एक एक वोट मोदी को जाएगा। आपका वोट आप कमल पे बटन दबाएंगे ना तो सीधा सीधा मोदी को जाएगा। और इसलिए 7 मई को कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, पहले मतदान फिर जलपान, ये घर घर जाकर आग्रह करना है। मेरी तरफ से हाथ जोड़कर बताइएगा कि मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जब विकास सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। भाइयों और बहनों,
का ये चुनाव 1000 वर्ष की गुलामी की मानसिकता से देश को पूरी तरह से मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव भारत के स्वाभिमान को नई बुलंदी देने वाला चुनाव है। आप जरा याद कीजिए, 10 साल पहले तक सपा और कांग्रेस ये दोनों लोग क्या कहते थे, हमें चिढ़ाने के लिए आए दिन कहते थे ये भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे, फिर वो मजाक उड़ाते थे मंदिर वही बताएंगे तारीख नहीं बताएंगे, ऐसी गाली देते थे नहीं देते थे, ऐसी गाली देते थे नहीं देते थे। और मैं चुपचाप सब गाली सहता था, चुपचाप सहता था। आपके आशीर्वाद से हमने मंदिर भी बनवाया, प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, हमने तारीख भी बताई, टाइम भी बताया, जगह भी बताई और जाकर के निमंत्रण भी दिया, लो भाई ये जगह है, तारीख है, समय है, आओ। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा अवसर, लेकिन उनका अहंकार इतना था कि अपने आप को प्रभु राम से भी बड़े मानते हैं। और इन लोगों ने सपा और कांग्रेस दोनों ने इतना बड़ा पवित्र काम राम मंदिर का निमंत्रण उनको गल करने दिया गया था, उस निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। क्यों? एक अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार किया तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। राम ही नहीं बल्कि इन्होंने हमारे श्याम को भी नहीं छोड़ा। आप जानते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण उन्होंने प्राचीन द्वारका नगरी समुन्दर के पास गुजरात में बनाई थी और वो वहीं आकर रहे थे। अब पुरातत्व तो का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण वाली द्वारिका है वो इसी जमाने में पानी में डूब गई, वो पानी के नीचे है। तो मैं बड़ी श्रद्धा के साथ समुंदर में गया, बहुत नीचे गया, प्रभु श्री राम प्रभु श्री कृष्ण के उस द्वारिका के उन पत्थरों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेने के लिए मैं वहां गया। लेकिन कांग्रेस के साथ जाने उसका भी मजाक उड़ाया और मैं तो हैरान हूं ये उत्तर प्रदेश में सपा के ठेकेदार जो खुद को यदि वंशी बताते हैं, जो यदुवंशी कहते हैं, ऐसे सपा के परिवारवादी वो भी ये श्री कृष्ण की मजा उड़ाने वालों ने बेइज्जती करने वालों की आरती उतार रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। भाइयों बहनों, सपा कांग्रेस का हिंदी गठबंधन
तुष्टिकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए आजकल समाजवादी पार्टी के साथ दोस्ती की नजर आई कांग्रेस, खतरनाक इरादों से पूरे देश में हंगामा मचा। कांग्रेस का यह खतरनाक पंजा विदेश के लोगों का हित हक छीनने वाला है, आपका हक छीनने वाला। कांग्रेस का इरादा है ओबीसी जातियों को मिलने वाला आरक्षण कर उनका हिस्सा, उनके जो खास पसंद की वोट बैंक है वो खास पसंद की वोट बैंक को दिया जाएगा। आपका हक छीन लिया जाएगा, वोट बैंक की राजनीति मजबूत करने के लिए किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के इरादों पर समाजवादी पार्टी के साझा ने चुप्पी सांध रखी। इन सारी बातों को समाजवादी पार्टी का पूरा पूरा समर्थन है। आपको याद होगा यहां यूपी में ही 2012 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपीए सरकार ने धर्म के